हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस का। सेकेंड चैप्टर है हमारा अ स्नैक चार्मर स्टोरी। आई एम आर्यनाथ। आर्यनाथ नाम का एक बच्चा, एक लड़का बता रहा है कि मैं, मतलब ये जो आर्यनाथ है वो अपनी एक स्टोरी शेयर कर रहा है हम लोगों के साथ। तो वो क्या कह रहा है, कैन आई डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। यानी क्या तुम जान, मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो आप लोग नहीं कर सकते, क्या तुम लोग ये जानते हो। कैन आई प्ले बीन, वो कह रहा है कि मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, आप सबको आश्चर्य होगा। यस आई कैन मेक स्नैक डांस प्लेइंग विथ बीन। और ये वो क्या कह रहा है आर्यनाथ, कि मैं जो स्नैक्स हैं उनको बीन बजाकर उस पर नचा भी सकता हूँ। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, वो क्या कह रहा है कि मैंने अपने फैमिली मेम्बर से ये कला सीखी है। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज, और ये क्या बता रहा है कि जो हम लोग हैं वो कालबेलिया के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर जो आर्यनाथ है वो क्या बोल रहा है, माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमोंगस्ट आवर पीपल। यानी हम लोग, वो क्या बता रहा है कि मेरे जो दादाजी थे वो हम लोगों में सबसे ज़्यादा फेमस थे। ही कुड ईजीली कैच मैनी पॉइजनस स्नैक, वो बहुत सारे ऐसे जहरीले स्नैक्स को आसानी से पकड़ लेते थे। ही टेल्स मी मैनी फैक्टर अबाउट हीज पास्ट, उन्होंने मुझे अपने पास्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। कम लिसन टू हीज स्टोरी इज इन हीज ऑन वर्ड्स, उनकी स्टोरी सुनते हैं उनके शब्दों में। देखिए, दादाजी रिमेंबर, दादाजी अपनी कहानी बताते हैं। फ्रॉम द टाइम माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन स्पेयर्स स्नैक चार्मर्स। यानी यहाँ पर क्या बता रहा है कि मैं और मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के पिताजी, मतलब परदादाजी, हम सब क्या करते थे, ये जो स्नैक्स होते हैं इनको पिटारी में रख कर लटका कर घूमते थे। ठीक है, फिर स्नैक हैव बीन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो क्या बता रहा है, स्नैक जो है वो हमारी जिंदगी के जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वी यूज़ टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरी आवर स्नैक इन बाम्बू बास्केट। यानी वो क्या बता रहा है कि हम जो है एक जगह से दूसरी जगह, एक विलेज से दूसरी जगह विलेज में घूमते हैं, जो स्नैक्स हैं उनको बाम्बू से बनी हुई बास्केट में डालकर। वेनेवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस, वो क्या बता रहा है कि जब हम सांप को टोकरी से बाहर निकालते थे वहाँ रुककर, तो क्या होता था, आसपास में भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो जाती थी। वी वुड देन टेक आउट आवर स्नैक फ्रॉम द बास्केट, और उसके बाद वो क्या करते थे, स्नैक को बाहर, यानी यहाँ क्या बताया है कि जब वो कहीं किसी गांव में रुक जाते थे और वहाँ पर क्या होता था, बहुत सारी भीड़ आकर इकट्ठी हो जाती थी, और उसके बाद वो लोग क्या करते थे, अपनी बास्केट में से स्नैक को बाहर निकाल लेते थे। इवन आफ्टर द शो, द मतलब शो ख़त्म होने के बाद भी जो पीपल लोग थे वहाँ पर खड़े रहते थे, स्टे ऑन, दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप ऑफ मेडिसिंस फॉर देम, उनको पता होता था कि जो हमारे पास टिन बॉक्स है उसके अंदर उनके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं। वी मेड दीज मेडिसिंस फ्रॉम प्लांट्स कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट, और हम जंगलों से प्लांट से इकट्ठा करके ये मेडिसिंस तैयार करते थे। आई हैड लर्न ऑल दीज फ्रॉम माई ग्रैंड फादर, मैंने ये सब कुछ अपने दादाजी से सीखा है।
I felt nice that I could help people with my medicine, even if doctor and hospital were far off. यानी वो क्या बता रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब हम लोगों की मदद कर पाते थे, उनको दवाइयाँ दे पाते थे, जब डॉक्टर और हॉस्पिटल उनसे बहुत दूर होते थे तब भी. इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी फॉर और फूड ग्रेन्स. यानी लोग क्या करते थे, या तो हमें अनाज देते थे या फिर हमें क्या देते थे, पैसे देते थे उसके बदले में. इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ. और इस तरीके से हम क्या करते थे, अपने जीवन को मैनेज करते थे यानी चलाते थे. ठीक है, पहले के ज़माने में लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो हर चीज़ के लिए पैसे दें. वो अगर कुछ खरीदते थे तो उसकी जगह अपना गुजर बसर करने के लिए वो लोग क्या करते थे, आपस में अनाज जो होता था उसको एक्सचेंज करते थे. ओके, समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय द स्नेक. यानी कई बार मुझे ऐसी जगह बुलाया जाता था जहाँ पर किसी को सांप ने काट लिया हो. फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बीटन द पर्सन. यानी मैं उस स्नेक जहाँ पर काटा था उस निशान को देखकर मैं ये पहचानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके के सांप ने इसको काटा है. ठीक है, आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट. तब मैं उसके लिए क्या करता हूँ, दवाई देता हूँ. बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प. लेकिन मैं कई बार समय से उनकी मदद के लिए नहीं पहुँच पाता. As you know, some स्नैक bites can even cause death on the spot. यानी कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे स्नैक्स होते हैं जिनको खाते ही इंसान की मृत्यु हो जाती है. But most of the snacks are not poisonous. But जो अधिकतर स्नैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, poisonous नहीं होते. Okay guys, thank you. अगर आपको मेरा lecture पसंद आया हो तो please share करना, subscribe करना और